चलो फिर आजाद हिंद ढाबे को टाटा बाय बाय करते हैं। और यार जावा लेके राइडर गर्ल स्टैंड गिरा है हुआ है उसका। हाँ चलो यार, जब लड़की लोगों को देखते हैं बाइक चलाने में तो लगता है हाँ भाई सही है। और फिर स्टार्ट कर लिए और ये चले। अरे यार गया, अब आगे से टर्न भी लेना पड़ेगा तो यार, आते टाइम शूट कर रहे थे तो यहाँ पे पहुंचे, पहुंच के जब वीडियो देख रहे थे तो उसमें यार साउंड नहीं मिल रहा था हम लोगों को। ये एक दिक्कत हो गया, अब कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है। बस अब कुछ ही दिन के बाद हम लोग जाएंगे बाइक का कुछ एक्सेसरीज खरीदने मोटो मोड्स पे। जिस दिन जाएंगे उस दिन भी एक छोटा सा व्लॉग बना लेंगे आप लोगों के लिए। और जाएंगे हम लोग वैसे मोटो मोड्स पे, ये है आपका कामलगाछी से जस्ट थोड़ा सा पहले ही है मोटो मोड्स। हाँ भाई पता है, क्या क्या करे। और यहाँ से यू टर्न लेके अब जा रहे हैं घर का तरफ अपना। यार सुनना, थोड़ा बड़ा बजा चलेगा, थोड़ा बड़ा बजा चलेगा। अरे थोड़ा शोरूम से भी मिल लेते, 5-10 मिनट रुकेंगे फिर निकल जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, तू चलना, कितना टाइम लगेगा, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा हम लोगों को। ठीक है यार, सोच रहे कि थोड़ा बड़ा बाजार चलते हैं, और वहां पे शुभम होगा तो उससे भी थोड़ा मिल लेंगे। बहुत दिन हो गया, 2 हफ्ता हो गया उसके साथ भेंट नहीं हुआ, बंदा का अभी एग्जाम चल रहा था तो इसलिए आ नहीं पाया हम लोगों के साथ। और आज उसका आने का बहुत इच्छा था, लेकिन क्या पता सुबह को जब फोन किए तो बंदा बताया कि यार हम आ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा खराब लगा कि बंदा इतना शौक में था। हाँ यार, ये गाड़ी पीछे बैक कर रहा है। वैसे भी यार सुबह संडे सुबह को हाईवे खाली ही रहता है, और इसी का फायदा उठाते हैं हम राइडर लोग, क्योंकि यार पूरा हफ्ता वैसे भी सिटी में तो टालने का कोई मौका तो है नहीं, कोई मौका ही नहीं मिलता है सिटी में टालने का, तो इसीलिए सब हाईवे पे उतरता है। हालांकि अच्छा भी लगता है क्योंकि पूरा हफ्ता ऑफिस में काम करने के बाद संडे सुबह को राइड पे निकलते हैं तो थोड़ा मूड भी माइंड भी फ्रेश होता है, अच्छा भी लगता है।
बस झूलाघर क्रॉस कर गए। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अरे यार ये गाड़ी क्यों, क्या हुआ? पुलिस वाला लोग धक्का मार रहा है। वैसे तो यार नॉइज बहुत ही आ रहा होगा इस टाइम पे, मेरे को भी पता है क्योंकि माइक जो ठीक से सेटअप नहीं हुआ है। अभी यहाँ से जाएंगे सीधा बड़ा बाजार, शुभम के साथ भेंट करेंगे, दो मिनट बातचीत करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे सीधा आएंगे घर, थोड़ा रेस्ट करेंगे। यार रेस्ट करना भी ज़रूरी है क्योंकि यार रात को तो तीन बज गया था मेरा सोते सोते, क्योंकि एडिटिंग का भी बहुत सारा काम बाकी था, अभी भी है बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो 70% हो गया, 30% बचा हुआ है जो कि घर जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होके खा पी के रेस्ट लेके फिर से एडिटिंग में बैठेंगे। बंदा जानबूझ के ऐसे खींच रहा है। ये BMW का 310cc का
नेकेड वर्जन बाइक है। चल भाई अभी और नहीं खींचना है, यहाँ पे रास्ता का हाल उतना खास कुछ ठीक है नहीं और बंदा जा भी रहा है कैसे, इतना रिस्क काहे लेते हो भाई। हम लोगों को यहाँ से लेना है लेफ्ट नहीं राइट, सॉरी ऐसे हम लोग को राइट लेना है और सिग्नल खुल गया, चलो चलते हैं। और सामने यहाँ पे टी बोर्ड है, चलो टी बोर्ड से ही चलेंगे। सामने ही है टी बोर्ड, नहीं यार सिग्नल है और सिग्नल को वायलेट नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये जो रूल्स है हम लोगों के लिए बनाए जाते हैं ताकि हम लोगों रास्ते पे सेफ चल पाए। फोन लगा अब संडे का बाजार है तो पूरा सब दुकान वुकान सब बंद है, यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। और भाई हाँ ये रहा अपना 310, देखो यार देखे कहाँ है शुभम कहाँ, देखो भाई यार वो घूमने में गए थे, लाओ गाड़ी चलो चला जाए। चलो कहाँ जाओगे? अभी बंदे को जबरदस्ती लेके आए हम। अपना तो छोड़िए आप लोग, फोन किया तो हम बस बिस्तर से उठे थे। कितना सोते हो भाई? भैया फोन किया हम उस समय आ रहे नहीं मैं देखे ठीक है कहाँ जा रहे यहाँ जा रहे अरे आज हम लोग गए तो वो आजाद हिंद में आते टाइम ही मेरे को लगा कि यार चलो शुभम से थोड़ा मिल लेते, आज यार उतना खास कुछ मजा नहीं आया। जाते टाइम इसको बोल रहे थे चल ये उस तरफ चल, एक GSX था सुजुकी GSX-R था और एक हायाबुसा था उसके ही साथ साथ चल रहे थे। अब वो लोग बंदा लोग गया दिल्ली हाईवे में,
हम भी चढ़ गए उधर कोना से, ठीक है। अब ये बोल रहा है नहीं मेरे को आजाद हिंद पे ही जाना है, तो फिर वहां से यू टर्न लेके आ गए। क्या मिला कुछ? इसको इधर रखते हैं। बीड़ी पीते हैं, बंदा तो खुला नहीं जो सिगरेट पी। अरे महाकाल इधर आइए। Yeah.